हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टी एस एग्री अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बी एस सी एजी 6 सेमेस्टर का, जो हमारा अगला एग्जाम पेपर है, क्रॉप ब्रीडिंग ऑफ रवि क्रॉप का। उसके बारे में टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले इस टॉपिक पर हम लोगों की एक क्लासेस हो चुकी है, जिसका लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग वहाँ जाकर वो फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, जहाँ पर भी हमने 25 क्वेश्चंस पहले कराए हुए थे। तो गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि आलू का वनस्पतिक नाम है। दोस्तों, आलू का वनस्पतिक नाम क्या है? गाइस, जो आलू का वनस्पतिक नाम है वो हमारा है सोलेनम ट्यूबरेसम, तथा टोयन नंबर इसमें जो होते हैं, टोयन इजक्ल टू 48। ठीक है, टोयन इजक्ल टू 48। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ओरिजिन प्लेस ऑफ पटेटो। दोस्तों, पटेटो का जो ओरिजिन प्लेस है गाइस, वो है पेरू। ठीक है, ओरिजिन प्लेस है वो है पेरू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि आलू की फसल में कंद बनना बंद हो जाता है। आलू की फसल में कंद बनना कब बंद हो जाता है गाइस? जो हमारा टेम्परेचर 34 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो आलू की फसल में कंद बनना बंद हो जाता है। 32 के बाद बिल्कुल ही आलू का कंद मतलब बनना बंद हो जाता है, तथा 34 पर बिल्कुल भी आलू का कंद नहीं बनता है। नेक्स्ट होगा कि आलू में प्रोटीन की मात्रा। दोस्तों, आलू में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों जो आलू में एक लाइसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, लाइसिन, जिसकी मात्रा समथिंग 1.6% होती है, 1.6% होती है, जो कि आलू में लाइसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। गाइस, वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कि आलू की टीपीएस में बीज दर होती है। दो टीपीएस पद्धति होती है दोस्तों, उसमें बीज दर रहती है हमारी क्या, 100 से 150 ग्राम। ठीक है, 100 से 150 ग्राम बीज दर रहती है पर हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट होगा कि टीपीएस की खोज किसने की, यानी कि आलू की टीपीएस की खोज करता है। दोस्तों, टीपीएस की जो खोज करता है वो कौन है? डॉक्टर रामानुजन। रामानुजन ने इसकी खोज की थी सन 1957 में। उन्हें 1957 में आलू की टीपीएस की खोज की थी। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन कि आलू में ब्लैक हार्ट का रोग किससे होता है? जो आलू में ब्लैक हार्ट होता है दोस्तों, वो होता है आलू के भंडारण में ओटो की कमी के कारण होता है। भंडारण के समय जो कि ओटो की कमी हो जाए तो आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। नेक्स्ट होगा कि दिया है आलू का पछेती झुलसा का कारक है। दोस्तों, आलू का पछेती झुलसा का कारक क्या है गाइस? आलू का जो पछेती झुलसा का कारक है वो है फाइटोपथोरा इन्फेस्टस के कारण, इन्फेंटेंस के कारण जो होता है आलू का पछेती झुलसा रोग होता है, तथा अगेती जो होता है वो हमारा अल्टरनेरिया सोलेनाई से होता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट होगा कि आयरलैंड फैमाइन, जो आयरलैंड में फैमाइन आई थी, जो अकाल पड़ा था, वो किसके कारण पड़ा था? दोस्तों, आलू के पछेती झुलसा के कारण पड़ा था, जो कि फाइटोपथोरा इन्फेस्टस जिसका रोग कारक होता है, और ये 1845 में हुआ था, 1845 में हुआ था। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में है कि आलू के कंद का व्यास होना चाहिए। दोस्तों, आलू के कंद का जो व्यास होना चाहिए वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, और वजन भी ढाई जो होता है कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक आलू का व्यास होना चाहिए, तथा वजन जो होता है 25 से 30 ग्राम तक आलू का वेट होना चाहिए। नेक्स्ट होगा कि दिया है टीपीएस में आलू की नर्सरी कितनी जगह में बनाई जाती है, यानी दोस्तों टीपीएस पद्धति में आलू की नर्सरी बनाई जाती है, कितनी जगह की आवश्यकता होती है? तो गैस होती है 75 स्क्वायर मीटर की आवश्यकता होती है एक हेक्टेयर के लिए। 75 यानी 75 मीटर स्क्वायर में हम नर्सरी तैयार कर लेंगे, उसमें टीपीएस पद्धति का बीज बो देंगे, और वो हमारे एक हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त रहेगा। नेक्स्ट होगा गैस दिया है कि आलू की निमेटोड प्रतिरोधी किस्म है। गाइस, आलू की निमेटोड प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? वो है कुफरी स्वर्णिमा। जो आलू की निमेटोड प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके बाद में गाइस कि डीडीटी की खोज की, यानी कि डीडीटी की खोज किसने की गाइस? डीडीटी की खोज हमारी की थी पाउल मुलर ने डीडीटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीएन ऑफ ग्राम। दोस्तों, चने का बोटनिकल नेम क्या है?
चने का ओरिजिनल नेम होता है सीसर एरिटिनम, तथा टूयन नंबर होते हैं जो दोस्तों देसी में होते हैं 14, देसी में होते हैं 14, तथा काबुली में होते हैं 16। ठीक है, काबुली में 16, देसी में 14, जो कि बीएन नंबर होते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, जो टूयन नंबर होते हैं, टूयन देसी में 14 और काबुली में 16, सीसर एरिटिनम, जो कि हमारा चने का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चने की पत्तियों में खट्टापन होता है दोस्तों, किसकी कमी के कारण चने की पत्तियों में खट्टापन पाया जाता है दोस्तों? वो मौलिक एसिड के कारण होता है, मौलिक एसिड के कारण चने की पत्तियों में खट्टापन होता है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चने में प्रोटीन की मात्रा होती है दोस्तों, चने में प्रोटीन कितना होता है गाइस? चने में प्रोटीन 18 से 22% तक होता है, चने में प्रोटीन की मात्रा दोस्तों 18 से 22% तक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चने की बीज दर क्या रहती है गाइस? जो चने की हमारी बीज दर है वो कितनी रखते हैं गाइस? देसी में तो हम लोग रखते हैं 70 से 80, देसी में रखते हैं 70 से 80 kg पर हेक्टेयर, तथा काबुली में हम लोग रखते हैं 100 से 125 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट है कि चने की ब्लाइट रोधी किस्म है दोस्तों, चने की जो ब्लाइट रोधी किस्म है यानी कि उकटा अवरोधी, वो कौन सी है? BG212, BG212 तथा C335, C335, ये ब्लाइट अवरोधी किस्म है चने की गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर की बीज की गहराई रखते हैं दोस्तों, मटर की बीज की गहराई हम लोग क्या रखते हैं? मटर की बीज की जो गहराई रखते हैं गाइस 4 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं, मटर के बीज की गहराई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा कि गार्डन पी के जो गार्डन मटर होती है उसमें एंटो की उपलब्धता यानी कि एंटो की आवश्यकता कितनी होती है दोस्तों? जो गार्डन मटर होता है हमारा उसमें हम लोग कितने नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, कितने केजी नाइट्रोजन देते हैं? तो गाइस वो देते हैं 60 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होगा कि मटर की पर हेक्टेयर उपज क्या रहती है दोस्तों? जो मटर की पर हेक्टेयर की से हमें उपज मिलती है वो मिलती है दाल वाली में, तो मिलेगी दोस्तों 25 से 30 दाल वाली में, तथा सब्जी वाली जो होती है वो 70 से 75 क्विंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा रहता है, जो कि दाल वाली गाइस 25 से 30 तथा सब्जी वाली 70 से 75 क्विंटल के हिसाब से रहता है गाइस। इससे पहले जो हम आप लोगों की एक क्लासेस और कर चुके हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग एक इसके बाद में आपका जो एक पार्ट सेकेंड आज का ये था, इसके बाद पार्ट थर्ड एक हमारा एक पार्ट और होगा रबी क्रॉप पर। तो गाइस आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी जो वो नीचे लाल कलर का ब्लैक बटन रेड बटन दिया गया है उसको दबाएँ, नोचें, कशीरने कुछ भी करें, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही नए टॉपिक पे आपको मिलेंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।